दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम एक प्रॉब्लम है स्केचअप की जिसको सॉल्व करने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें कैमरा फिट करना नहीं आता, अगर उनके पास स्पेस कम हो तो। अब अगर आपके पास स्पेस इस तरीके से है कि आपके पास एक सिंगल रूम है और आपको कैमरे को प्लेस करना है, तो आप किस तरीके से कैमरे को प्लेस कर सकते हैं। अब मान लो मेरे पास ये वाला रूम है और मैं इसका एक रेंडर करना चाहता हूँ, तो मैं अपने कैमरे को मान लो इस तरीके से सीन को सेट कर देना चाहता हूँ कि इस व्यू का मेरे को रेंडर चाहिए, या फिर मैं किसी भी सीन को अपने तरीके सेट करूंगा। अब इसको करने के बाद मान लो मैंने एक सीन को ऐड कर दिया, बट अब अगर आप देखोगे, अगर आप सेम सीन पे जाके आप इंटरेक्टिव रेंडर स्टार्ट करते हो, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको यहाँ पे सनलाइट इस साइड से अंदर की तरफ आ रही है, बट मेरे को सनलाइट यहाँ पे नहीं चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम इसको कवर कर देंगे। तो मैंने वो हाइड किया हुआ है, तो मैं इसे अनहाइड कर देता हूँ ऑल। तो आप देखोगे यहाँ पे, तो ये आपका कवर हो गया। तो अब अगर मैं अपने सीन पे यहाँ पे जाता हूँ, तो आप देखोगे ये वॉल आपके बीच में आ जाती है, और जैसे ही आप स्क्रॉल करोगे अंदर की तरफ, आप जूम करते हुए जाओगे, तो आप देखोगे काफी लेट तो आप अंदर की तरफ यहाँ पे पहुंच पा रहे हो, और यहाँ आने के बाद भी आपको वो एंगल नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हल्का सा आप पीछे करोगे तभी आपकी वॉल सामने आ जाएगी। तो ये चीज बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, आप किस तरीके से उस चीज को वहां पे यूज कर सकते हो? देखो उसके दो से तीन सोल्यूशन है जो बहुत इजी तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो। कैसे? एक तो मान लो आपने जूम कर दिया और आप इस एज पे पहुंच गए, यहाँ पे कि आपके एक एज पे पहुंच गए और आपने यहाँ पे जूम किया। अब आप यहीं से अपने व्यू को देखना चाहते हो, बट यहाँ पे देखो फील्ड ऑफ व्यू है 35 डिग्री। अभी जो आपका एंगल है देखने का वो 35 डिग्री है। आप क्या करो, जूम पे यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे डिग्री आ रही है मेजरमेंट में, आप देख सकते हो। इसको मान लो मैंने कर दिया 50 डिग्री, अगर आप यहाँ पे जूम करते हो, आपने कर दो 50 एंटर, तो आप सेम पोजीशन पे खड़े हुए हो, बट आप अपना देखने का एंगल यहाँ पे बढ़ा रहे हो। 55 करोगे वो कर सकते हो, बट जितना ज्यादा आप एंगल करोगे तो आपकी इमेज यहाँ से देख सकते हो डिजोर्ट हो जाएगी, मतलब आपकी इमेज यहाँ पे पैरेलल एक्सिस नहीं रहेंगे। तो उसको आप इतना चेंज करो जितना आपके व्यू को रिक्वायरमेंट है। अब मान लो इस व्यू को रिक्वायरमेंट है मेरे को जो रेंडर करना है, मैं सेव फ्रेम ओपन करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे एसिड एडिटर पे जाता हूँ और यहाँ पे सेव फ्रेम को ऑन करता हूँ, और ऑन करने के बाद मैं इसे कर लेता हूँ 1:1 का रेशियो, क्योंकि मेरी जो इमेज की डिमांड है वो स्क्वेयर की है। तो अब आप इसके अकॉर्डिंग आप अपने व्यू को जूम कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो, और अगर देखो अब अगर आपको लग रहा है कि ये सारा एंगल डिसॉर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे फील्ड ऑफ व्यू आप देख सकते हो 80 डिग्री हो गया है। मैं इसको 55 डिग्री कर दूंगा, तो आप देखोगे बिल्कुल आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। अब एक और चीज आप यहाँ पे सबसे पहले करें, इस सीन पे आके इसको अपडेट कर दो, ताकि बार बार आपको वो प्रॉब्लम ना हो। अगर मान लो मैं यहाँ पे अब कर देता हूँ 45 डिग्री इस तरीके से, तो यहाँ से मैं अपने व्यू को चेंज कर सकता हूँ, 55 डिग्री चाहिए या फिर 60 डिग्री का मेरे को चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आपका व्यू यहाँ पे सेट हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, दूसरा क्या है कि आपको आई लेवल कितना चाहिए, किस आई लेवल से आप देखना चाहते हो, तो उसके लिए आपको इस आई पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आई लेवल दिखाएगा कि 3 फीट 9 इंच की आई लेवल हाइट से आप देख रहे हो। अगर मैं इसको कर दूं 5 फीट, तो ये मैं 5 फीट के हाई लेवल से देख रहा हूँ। अब 5 फीट के आई लेवल से देखना है और व्यू भी मेरे को सही देखना है, तो फिर आप यहाँ पे जूम पे जाके इस व्यू को और कर सकते हो कि 65 डिग्री। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपने व्यू को देख सकते हैं बिल्कुल इजिली, यहाँ पे सेट हो जाएगा। ठीक है, आप इस सीन को आप दोबारा से अपडेट कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है कि मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप इस तरीके की और वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल पे जाके इससे रिलेटेड वीडियो देख सकते हो। बहुत सारी वीडियो सभी सॉफ्टवेयर की मिलेगी। और अभी अभी हमने जो न्यू स्टार्ट किया है, शॉर्ट स्टार्ट किए हैं रेविट के, ऑटो कैड, स्केचअप, 3ds मैक्स, फोटोशॉप, इनके शॉर्ट्स हैं, काफी शॉर्ट्स हैं जो आप देख सकते हो, डेली ये अपडेट में चलेंगे। ये शॉर्ट्स को आप यहाँ से देख सकते हो और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को भी यहाँ से फॉलो कर सकते हो, ताकि आपको बहुत सारी चीजें, बहुत सारे वीडियो के ट्रिक्स, बहुत सारे सॉफ्टवेयर ट्रिक्स भी आपको इजिली देखने को मिल जाए। तो बहुत सारे शॉर्ट्स और रील्स हैं जो आप इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे यहाँ पे देख सकते हो। दूसरा तरीका क्या है कि मैं यहाँ पे बाहर जाता हूँ, दूसरा तरीका यूज करने के लिए, अब मैं क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट करके 1 मिनट के लिए मैं हाइड करता हूँ, ताकि बाद में अनहाइड कर पाऊँ। यहां से आप इस पर्सन को ले सकते हो, पोजीशन कैमरा को, और जहां पे आपको खड़ा होना, मान लो मैं बिल्कुल कॉर्नर में खड़ा होकर और इस तरीके से ड्रैग करके ऐसे कर देता हूँ, तो वो इस व्यू को यहां से दिखाना स्टार्ट करेगा। यहां पे आएगा आई लेवल, मैं इसको डाल देता हूँ कि 6 फीट की मेरे को आई लेवल चाहिए, ये 6 फीट आ जाएगा। 5 फीट 5 इंच करोगे, 5 फीट 5 इंच आ जाएगा।
और जूम पे जाके आप यहाँ पे एंगल डाल सकते हो कि 60 चाहिए या फिर 65 चाहिए, तो आप देखो बिल्कुल इजीली आपका एडजस्ट हो गया। और अब आप यहाँ पे एडिट पे जाके अनहाइड ऑल कर दोगे तो आपकी वॉल भी बीच में नहीं आएगी। एक सीन आप यहाँ पे इस चीज को ऐड कर सकते हो और फिर आप इसका यहाँ पे रेंडर कर सकते हो। अब अगर मैं इसको यहाँ पे मान लो ऐड करता हूँ और इसका रेंडर करता हूँ, तो बिल्कुल एक इजी जो आपका यहाँ पे ये विंडो है इसका आपका देखो बिल्कुल अजी अच्छे तरीके से आ रहा है। मतलब जो सनलाइट है वो आपको नहीं दिखेगी, जो आपकी नेचुरल लाइट है जो आप यहाँ पे एक्चुअल में देखना चाहते हो वही आपके यहाँ पे सामने आने वाली है। तो इस तरीके से आप अपने कैमरे व्यू को, कैमरे एंगल को अपने तरीके से यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो।